उत्तर प्रदेश सरकार का ये प्रयास है कि राशन की दुकानों पर उपभोक्ताओं को समय से राशन मिले और किसी प्रकार की कोई मिलावट ना हो। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखकर जनपद मुरादाबाद का प्रशासन राशन की दुकानों पर निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाओं को देखने का काम कर रहा है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत अगवानपुर में अपर नगर मजिस्ट्रेट विनय पांडे ने सरकारी राशन की दुकानों का निरीक्षण किया, सभी उपभोक्ताओं से बातचीत की और विश्वास दिलाया कि सरकार की यही कोशिश है कि राशन सही मिले और समय से मिले और किसी प्रकार की समस्या ना हो। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर कार्य हो रहे हैं। मुरादाबाद की नगर पंचायत अगवानपुर में शासन के आदेश पर अपर नगर मजिस्ट्रेट विनय पांडे ने सरकारी राशन की दुकानों का निरीक्षण किया। नगर पंचायत अगवानपुर में सरकारी राशन की मात्र 7 दुकानें हैं, जिस पर अपर नगर मजिस्ट्रेट में 3 दुकानों से लबरेज आलम, मेहरमान फातिमा, अमित कुमार वर्मा की दुकानों का निरीक्षण हुआ, जिसमें हर एक दुकान की लिस्ट में से मात्र 3 राशन कार्ड धारकों को मौके पर बुलाकर जानकारी की गई। राशन कार्ड धारकों से कहा गया कि राशन डीलर आपको राशन कम दे तो नहीं रहा, फिर किसी तरह से कोई आनाकानी तो नहीं कर रहा। इसी तरह अपर नगर मजिस्ट्रेट ने 3 दुकानों से लिस्ट लेकर 3-3 नाम चिन्हित किए और 3-3 राशन कार्ड धारकों को मौके पर ही बुलाकर जानकारी ली। 3 दुकानों पर पहुंचकर 3-3 राशन कार्ड धारकों ने अपने राशन कार्ड पर राशन समय पर मिलने और पूरा मिलने की सहमति जताई। मीडिया से बात करते हुए अपर नगर मजिस्ट्रेट विनय पांडे ने कहा कि इस सरकार के निर्देश पर जनपद के सभी सरकारी राशन की दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है। राशन की दुकानों पर ये शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि समय से सभी को राशन नहीं मिल रहा। एक व्यक्ति ने राशन कार्ड बनवा रखा है, जिस पर आज निरीक्षण करने के साथ मौके पर सभी को निर्देश भी दिए गए। मकसद था कि समय से सभी को राशन मिले, किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो। ये भी कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति को कोई समस्या आती है, किसी को कोई शिकायत हो तो वो तुरंत हमसे संपर्क करे, जिस पर समस्या का समाधान किया जाएगा और लापरवाही बरतने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई होगी। आज निरीक्षण इस गांव में जो इनको उचित दर की दुकान तरवेज आलम को दी गई है, तो यहाँ पर कितना स्टॉक आता है, वितरण कितना सुचारू रूप से हो रहा है, सबको हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, कितना स्टॉक था, किस दर पर हो रहा है, अथवा जो सरकार द्वारा निर्धारित निःशुल्क राशन है वो दिया जा रहा है, तो इस प्रकार की सब जांचें की गई। रैंडम नंबर से बुलाया गया लोगों को और उनके बयान नोट किए गए। कितनी कमियां मिली? अभी तक तो कोई कमी प्रकाश में नहीं आई है। 3-4 लोगों से वार्ता हुई, उन लोगों ने इस पर संतोष व्यक्त किया। जितना यूनिट हमारा है, प्रति यूनिट 2 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल हमको बिना किसी भुगतान के प्राप्त हुआ है योजना के अंतर्गत। अभी मैं पहले से तो ये नहीं बता सकता, लेकिन अगवानपुर में और दुकानों की भी जांच होगी। आज ही संभव है कि होगी आज ही।